हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन बिग माइट चैनल डे नाइट क्लासेस। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि झारखंड पीजीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की जेएसएससी के द्वारा जारी कर दिया गया, उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 101 से आज करेंगे। तो आइए हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं 101 से, ठीक है। चैनल में नहीं हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और आगे जो आने वाले जो एग्ज़ाम है आपको चार पाँच महीने के भीतर यानी अंदर आपका टीजीटी एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें से वैकेंसी लगभग हो सकता है, सिर्फ इंग्लिश का वैकेंसी हो सकता है 400 से 500 वैकेंसी हो सकता है, ठीक है। तो आइए जुड़े रहिएगा, आइए देखते हैं इसका MCQ, और हम लोग का जो कुछ जो है यहाँ से भी रहेंगे क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ से भी रहेंगे, मतलब टॉपिक जो है कुछ मैच करेगा जो TGT एग्ज़ाम में, ठीक है। इसलिए आप बहुत ध्यान से भी देखिए, हो सके यही प्रश्न आ सकता है जिसे पिछला बार आया हुआ प्रश्न भी यहाँ पूछा गया 2017 में जो पूछा गया था झारखंड PGT का एग्ज़ाम में, वो भी क्वेश्चन यहाँ देखने को मिला है जो है, ठीक है। एक्ट 1832 का जो था उनका भी एक प्रश्न आया और भी आए होंगे। तो चलिए डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे 101 से। तो देखिए, इन WB इट्स ए प्रेयर, ठीक है, प्रेयर फॉर माय डॉटर पॉम, वेयर डज द पोएट डिस्क्राइब हिज चाइल्ड एज स्लीपिंग। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी राइट होगा, अंडर द क्रेडल हुड। क्रेडल हुड जो बच्चा होता है उनका, ठीक है, उनके लिए किया जाता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट, यहाँ आपका राइट ऑप्शन क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो है आपका यहाँ बी राइट ऑप्शन हो जाता है। और आगे क्वेश्चन आगे देखते हैं 101-2 की ओर, और इन टू का जो है इन मतलब 102 इन WB इट्स का बाइजेंटियम पोम है, व्हाट डज द टर्म ए गोल्डन बाओ रिफर टू। गोल्डन बाओ क्या बोला गया है, बाओ को यहाँ पे एक बैलेंस बोला गया यानी एक तराजू, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो गया क्या है कि यहाँ पे बताया गया कि जो टर्म है वो रिफर करता है एक लैटिन एपिक पोयम, ठीक है, एनिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं 103 की ओर, 103 चलेंगे। WB एड्स में देखिए, WB एड्स का वही जो है पोएम से लिया गया है, ए प्रेयर फॉर माय डॉटर पोएम इट ड्राइव, ठीक है, टू ड्राइव होम द पॉइंट दैट एक्सेसिव ब्यूटी इज ए बेन नॉट बोन, वा ठीक है, हु डज ही से रोज आउट ऑफ द स्प्रे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एफ्रोडाइट, ठीक है, एफ्रोडाइट के जैसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते 104 की ओर, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स आर दीज लाइन्स टेकन। तो देखिए ये जो पोयम है, देखिए ऑफ मेन, ठीक है, ऑफ मेन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस, ठीक है, आपको पैराडाइज लॉस मतलब पैराडाइज लॉट से लिया, लॉस्ट से लिया गया है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा हो रहा है। चलिए यहाँ इसका राइट हो जाएगा आपका बी, ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट आ गया, फिर प्रोनाउंसिएशन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं, और क्वेश्चन आपका 105 की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोम्स इज रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो देखिए यहाँ पे आपका पैराडाइज लॉस्ट हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 की ओर आएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड द
फॉरबिडन ट्री ब्रिंग इन टू द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ये आपका डेथ हो जाएगा, ठीक है, डेथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉरबिडन ट्री का जो फ्रूट है उसको खाने से क्या होता है, ठीक है, तो चलिए डेथ हो जाएंगे। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, 7 की ओर। अकॉर्डिंग टू पैराडाइज लॉस्ट हु इज, ठीक है, हु इज बेलजीबब। तो देखिए सेकंड टू था, तो सेकंड देखिए कहाँ लिखा हुआ है, इसमें आ जाएगा आपको सेकंड इन कमांड सैटर्न। राइट हो जाएगा आपका, राइट क्या हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर आएंगे, तो इसका राइट हो जाएगा यहाँ सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 चलेंगे 8। इन सैमुअल टेलर कोलेरिज कुबला खान पोम, हाउ डिड ही हियर प्रोफेसिज ऑफ वार, यानी भविष्यवाणी वार का। तो चलिए यहाँ देखिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा थ्रू एंसेस्ट्रल वॉइसेस। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 109 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर इन किड्स ऑड, ठीक है, ऑड ऑन इंडोलेंस, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब हाउ ही स्पेंट द मॉर्निंग बिफोर द अराइवल ऑफ द थ्री फिगर्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। Enjoys the summer day in a sort of sublime, ठीक है, numbness, ठीक है, numbness। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता 110 की ओर। 110 देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो विच पोम ऑफ चार्ल्स लेम स्टार्ट्स विथ द मार्च, ठीक है, मार्चेंट, ए मार्चेंट हु बाय जेनरस पेंस। अब यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, यानी ब्यूटी एंड द बीस्ट हो जाएगा, ए नंबर राइट ऑप्शन है जो जेसेसी ने जारी किया है। आगे देखते हैं, इन चार्ल्स लेम्स का बॉय एंड द स्नेक पोम, व्हाट डिड द बॉय कॉल द स्नेक एज ही हिट इट्स हेड विथ स्पून। तो क्या कहता है वो, ठीक है, ग्रे फेट या येल्लो फेट या ब्लैक फेट या वाइट फेट। तो इसका राइट हो जाएगा ग्रे फेट। चलिए नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाते हैं। इन चार्ल्स लेम्स द बॉय एंड द स्नेक पॉम, व्हाट डज द वर्ड थीदर का मतलब क्या होता है, तब कहो जाएगा इन दैट डायरेक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 113। इन लॉ, ठीक है, लॉर्ड टेनिसन यूलिसेस सेज, कहते हैं ही वांट्स टू ड्रिंक लाइफ टू द लीज, व्हाट डज द टर्म लीज, ठीक है, लीज जो है मतलब क्या होता है। तो देखिए ये हो जाएगा ड्रैग है, ठीक है, एंजलेट है, या द ड्रग्स है, या डॉग्स है, तो बताएंगे इसका राइट हो जाएगा ड्रेक्स, ठीक है, ड्रेक्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, 114 की ओर। ओलिवर ट्विस्ट इज द, बोलिए ये सेकेंड है, फर्स्ट है, सेकेंड मतलब चार्ल्स डिकेंस का नोवेल है, वो सेकेंड है, मतलब फर्स्ट है, सेकेंड है, या सेवन है, या नाइन्थ है, तो इसका राइट हो जाएगा आपको सेकेंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 115 की ओर। विच ऑफ दिस इंजॉयड द स्टेटस ऑफ बींग द लीडिंग लिटरेरी, ठीक है, लिटरेरी जोनरा, ठीक है, जोनरा इन 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। तो इसका क्या हो जाएगा, जोनरा कैसा जोनरा, किस प्रकार का था, लीड कर रहा था जो 19th सेंचुरी में, तो देखिए नोवेल ही होगा, ठीक है, नोवेल का जोनरा चल रहा था। चलिए 19th सेंचुरी आइए, क्वेश्चन नंबर 116 है। आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रिटिश नॉवलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर।
जेन स्टोन है, मार्क ट्वेन, ठीक है, मार्क वेन है, अल्फ्रेड, पहले तो यहाँ नोबेलिस्ट की बात किया गया है, तो नोबेलिस्ट देखिए विलियम शेक्सपियर है ही नहीं, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन भी नहीं है, तो जेन ऑस्टन हो सकता है या सी, तो यहाँ राइट हो जाएगा जेन ऑस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 117 विच इज 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एरा नोबेलिस्ट चार्ल्स डिकेंस का पहला नोबल क्या था? तो पहला नोबल था पिकविक पेपर, राइट ऑप्शन हो जाएगा पिकविक पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आते हैं। तो विच ऑफ दिज इन इज 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एरा नोबेलिस्ट विलियम विलियम मैकपीस ठाकरेज नोबल, यानी विलियम ठाकरे का जो है मैकपीस ठाकरे है, उनका क्या है? तो वेनिटी फायर, यानी राइट ऑप्शन हो जाएगा वेनिटी फायर। चलिए फेयर, वेनिटी फेयर, सॉरी फायर बोलते फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 119 विच एरा इंग्लिश लिटरेचर अकाउंटेड फॉर मोस्ट कंट्रीब्यूशन टू द ठीक है फॉस्टरिंग ऑफ एंड एडवांसमेंट्स इन द फील्ड्स एज डाइवर्स एज साइंस इकोनॉमी और टेक ठीक है टेक्नोलॉजी। तो इसका राइट हो जाएगा क्या? 19th सेंचुरी 17, तो आपका राइट होना चाहिए 19th सेंचुरी में ही सब हो रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, मतलब 20। 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एरा साउ द पब्लिकेशन विच ऑफ दिस सेमी ठीक है सेमिनल सेमिनल रेफरेंस बुक्स। तो अब यहाँ यहाँ क्या हो जाएगा, ऑक्स इंग्लिश डिक्शनरी है या यहाँ पे डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी या इन सब साइक्लो है ना इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिया 9 एडिशन या ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 21। तो देखिए विच ऑफ दिस 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर बुक्स डिड पी बी शैलीज ओज़िमेंडियस पोएम जेंटली इम्पैक्ट, जेंटली इम्पैक्ट क्या हो जाएगा इनका आंसर? तो यहाँ जर्नी टू द सेंटर ऑफ अर्थ ने काउंट द माउंट क्या हो जाएगा वेदरिंग व्हाइट, ये भी नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा वेदरिंग हाइट्स बोला गया, लगता क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जैसे इसी के द्वारा बताया गया ये है। तो 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर इज ऑल्सो नाउन एज, तो देखिए 19th सेंचुरी में विक्टोरियन एज कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर आएंगे। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर फॉर्म इन 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। तो इसमें इसमें क्या था इंग्लिश 19th सेंचुरी लिटरेचर में जो कौन सा ऐसा जो पॉपुलर फॉर्म रहा? तो देखिए यहाँ पे इसका पॉपुलर फॉर्म होगा तो क्या हो सकता है, पहला डिपिक्टिंग रिसेंट हिस्ट्री इन हिस्ट्रिकल नॉवल। तो इसका राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, यानी ए रखा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ है आपका 124। देखिए इन जेन स्टोन्स का एमा नोबल है, हाउ इज द प्रोटोगोनिस्ट इंट्रोड्यूस एज? तो देखिए एमा वुड हाउस ही खुद ही है जो है ठीक है प्रोटोगोनिस्ट है एमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। वेन वाज विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड है ठीक है पोएम पब्लिश्ड इवेंचुअली, कब पब्लिश्ड हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का मतलब कब हुआ था? तो देखिए उनका जो है कितना दिन मरने के बाद हुआ, 3 मंथ ऑफ द ही डाइड, यानी इसका राइट हो जाएगा 3 मंथ के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 126। व्हाट डिड द विलियम वर्ड्सवर्थ इनिशियली कॉल द प्रीलूड पोएम जो है एज ही रिफर्ड टू इट इन हिज लेटर्स टू डोरोथी वर्ड्सवर्थ। तो यहाँ पे वह पोएम टू कॉलेरिज बोला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, राइट डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आते हैं। इन थॉमस हार्डीज जूड द ऑब्स्क्योर नॉवल हाउ इज ए सुब्राइड हेड रिलेटेड टू जूड फॉले, सुब्राइड इज जूड फॉले, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन? तो देखिए ये ठीक है इनका कजन नहीं हो के आंट थी ठीक है
नहीं कजन थी, सॉरी कजन, ठीक है कजन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आते हैं। और क्वेश्चन 28 है आप लोग, 28 क्या है कि इन थॉमस हार्डी जूट द ऑब्सक्योर ऑब्सक्योर नॉवल है, व्हाट डज जूट फाउले वांट टू बिकम फ्रॉम बींग बींग ए वर्किंग क्लास स्टोनमेशन। तो ये क्या था, ये स्कॉलर बनना चाहता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका है 29 की ओर। व्हाट सोशल इशूज ऑफ द टाइम डज थॉमस हार्डी जूट द ऑब्सक्योर नॉवल डील्स विद डील विथ सॉरी डील्स विथ यानी जो थॉमस हार्डी का जो जूट द ऑब्सक्योर है वो डील करता है, यानी डील्स केस क्या, कौन सा सोशल इशू है उस इशू से संबंधित है। तो देखिए इशू ऑफ क्लास है, एजुकेशन है, यानी आपका डी राइट हो जाएगा। राइट सब है, एजुकेशन भी है, मोरालिटी भी है और इशू ऑफ क्लास भी है। चले क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 की ओर पहुँचे थे, 130। इन थॉमस हार्डी जूट द ऑब्सक्योर नॉवल व्हाट इज जूट फाउलेज कॉलिंग एज ही सेल्फ लर्न्स क्लासिकल ग्रीक और लैटिन। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा क्या, बेकर है, फोटो ठीक है फोटोग्राफर है या कोरियोग्राफर डॉक्टर, तो इसका यहाँ राइट हो जाएगा बेकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर, 131। विच ऑफ दिस ऑथर्स फोकस्ड ऑन मेटाफिजिक्स और एंड फिलोसॉफी इन एडिशन टू ह्यूमनिस्टिक इजी राइटिंग ऐसे राइटिंग सॉरी ह्यूमनिस्टिक ऐसे राइटिंग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम विलियम हेजलिट को मारते ठीक है तो राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 132 चलते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट ए करेक्टर, बोला करेक्टर नहीं है, चार्ल्स डिकेंस का एक क्रिसमस कैरोल। तो बताएंगे क्रिसमस कैरोल में जो है वो नहीं है, तो कौन नहीं है, तो पता नहीं है कौन नहीं है, तो यहाँ ट्रेस ठीक है ट्रेसी टूपमैन। चलिए डी राइट सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 133 की ओर आते हैं। विच ऑफ दिज इज नॉट ए करेक्टर इन चार्ल्स डिकेंस सॉरी यही न था अच्छा ये ठीक है चार्ल्स डिकेंस का जो क्रिसमस कैरोल है उनमें से जो एक करेक्टर नहीं है, डबल पूछ दिया गया क्या, ठीक है अच्छा जो है करेक्टर, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ जो है आपका बॉब के डबल आ गया, इसका सैमुअल पिकविक ठीक है सैमुअल पिकविक नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 134। सैमुअल टेलर कॉलेरिज ए 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एरा पॉइंट ठीक है क्रॉनिकल्ड लिटरेरी इन विच ऑफ दिज ऑटोबायोग्राफीज। तो देखिए ऑटोबायोग्राफीज कौन यहाँ है, देखिए बायोग्राफिया लिटरेरिया राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 135 के आते हैं कि विच ऑफ दिस इज ए बार्क ठीक है बार्लेक्स ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एरा पोएट पी बी शैली। तो देखिए मार्क ऑफ क्या है, मास्क ऑफ एनार्की है, टेम्पेस्ट, इन सभी तो होगा नहीं कुबला खान में, यानी इसका जो है ठीक है इसका 12 फुट द ट्राइ ठीक है ट्राइंट। चलिए सी राइट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते, क्वेश्चन नंबर 136। तो लूसी जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स है इज रिटन बाय ये जो है विच 19 सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एज एरा पॉइंट। तो यहाँ पे आ जाएंगे विलियम वर्ड्सवर्थ आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 137 में विच पोम ऑफ 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एरा पॉइंट पी बी शैली वाज पब्लिश्ड इन पस्थुमास। तो पोम जो है 1834 में हुआ था, तो जुबली ठीक है जुबलियन और क्या है इसका राइट ऑप्शन, जुबलियन और माल्डो क्या है मेडालो ठीक है
डी बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, विच 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एरा नोबल पोएट्रीज गोथिक रोमांटिक। तो गोथिक रोमांटिक में क्या हो जाएगा, देखिए विलियम्स वेदरिंग हाइट है, यहाँ आपको बी राइट होगा, वेदरिंग हाइट्स। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 की ओर, 39 है देखिए। सो पोएट्री विच क्या है, पोएट्री ऑफ विच 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एरा नोबलिस्ट वाज पब्लिश्ड पोस्थमसली, ठीक है पोस्थमसली। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा थॉमस हार्ड नहीं, ठीक है जेरंड मैनली हॉपकिंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, हु एमंग दिस इज एन एयरली 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर एरा नेचर राइटर, एरा नेचर राइटर। तो इसका राइट हो गया आपका सारा बाउज, ठीक है बाउजी बाउडिच ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 141 की आएंगे तो क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ, विच पॉइंट टूक जॉन मिल्टन्स स्टाइल एज इंस्पायरेशन फॉर हिज ठीक है मेडिटेटिव ऑटोबायोग्राफी द प्रीलूड। तो इसका राइट हो जाएगा प्रीलूड कौन है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 142 है, एट वाट एज डिड विलियम वर्ड्सवर्थ बेगिन हिज वर्क ऑन द प्रीलूड, ठीक है तो इनका जो 28 साल क्या था, 18 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम लोग चलेंगे 143, ठीक है 143। तो 43 में आपको दिख रहा है हाउ मैनी, किधर है हाउ मैनी बुक्स मेक ऑफ द कंप्लीट वॉल्यूम, ठीक है वॉल्यूम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड। तो टोटल कितना था 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 144, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड पोम विच पॉइंट इज रिफर्ड टू एक्सप्लिसिटली, ठीक है सिटली इन लाइन जो है 181 ऑफ बुक्स वन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रीलूड यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा जॉन मिल्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 145, हु इज द ऑथर, हु इज अदर प्रोटागोनिस्ट इन थॉमस हार्डी जूड द ऑब्सक्योर नॉवल बिसाइड जूड फाउले, फाउले के अतिरिक्त सुब्राइड हेड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, इन थॉमस हार्डी जूड द ऑब्सक्योर नॉवल हाउ मच ओल्डर, ठीक है ओल्डर इज सुब्राइड हेड देन मिस्टर फिलोस्ट, मतलब है ना फिलोटसन। तो इनका क्या हो जाएगा 21 20 10, क्या हो जाएगा इसका 20 ईयर्स, ठीक है 20 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 147, इन थॉमस हार्डी जूड द ऑब्सक्योर नॉवल वाई इज चाइल्ड बिटवीन जूड जूड फॉले एराबेला, ठीक है एराबेला निक नेम द लिटिल फादर टाइम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बिकॉज, इसका राइट सी ऑप्शन है जाएगा बिकॉज ही इज ऑलमोस्ट सीरियस एंड हम, ठीक है हुमरलेस एंड डिस्पोजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते। क्वेश्चन नंबर 148, तो इन डब्ल्यू बी इट्स बाइजेंटियम पोएम ही डिस्कसेस हिज थॉट्स रिलेटेड टू द ओवर, ठीक है क्या है कन्वर्जेंस ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस आर्ट सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, वाट इज द स्पिरिचुअल कंसिक्वेंस फॉर पीपल विद नो मॉरल वैल्यूज फॉर टी एस एलियट इन
इन हिज द वेस्ट लैंड पॉम, तो इसका राइट हो जाएगा क्या, स्पिरिचुअल के बात है तो नो एसोसिएशन, यानी यहाँ पे आपको हो जाएगा बी नो रिबर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का जो है सेट आपका, मतलब ये जो है 25 ठीक है अगस्त को जो था एग्ज़ाम उनका रहा ये लास्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी, मतलब हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन डी एच लॉरेंस द रेम्बो, तो इनका 3 पार्ट्स होता है ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं हम लोग आगे जो है पेपर जो है 26 में एग्ज़ाम हुआ, 26 तारीख का जो एग्ज़ाम होता है उसका डिस्कस करेंगे उनका क्वेश्चन। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट जो हुआ था एग्ज़ाम उसके साथ में। थैंक यू।